मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, पर ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र कुमार एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार एक अध्यापक ने कक्षा छठी के दो अलग अलग विभागों में जाकर एक ही सवाल बोला। अध्यापक पहले छठी के ए सेक्शन में गए और वहां जाकर बच्चों से कहा, बच्चों जो सवाल मैं तुम्हें बोलने जा रहा हूं वह इतना कठिन है कि मैंने इसी सवाल को नौवीं कक्षा के बच्चों से बोला था, परंतु कोई भी छात्र इस सवाल को हल नहीं कर पाया। एक छात्र खड़े होकर बोला कि गुरुदेव, जब यह सवाल इतना ही कठिन है तो आप इस सवाल को हमें निकालने के लिए क्यों बोल रहे हो? अध्यापक ने कहा, यह सवाल इतना भी कठिन नहीं है कि यदि निकालना चाहे तो कोई बच्चा इसे निकाल नहीं पाए, क्योंकि यह सवाल छठी कक्षा के अनुरूप ही है और इसे हल करने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। छठी ए के बच्चों को सवाल बोलकर अध्यापक छठी के बी सेक्शन में गए और वहां जाकर बच्चों से कहा, बच्चों जो सवाल मैं तुम्हें बोलने जा रहा हूं वह सवाल इतना आसान है कि मैंने इसी सवाल को पांचवी कक्षा में बोला था और सब बच्चों ने इस सवाल को निकाल दिया। एक बच्ची खड़ी होकर बोली कि गुरुदेव, जब यह सवाल इतना ही आसान है तो आप इस सवाल को हमें क्यों बोल रहे हैं? अध्यापक ने कहा, बिटिया यह सवाल इतना आसान भी नहीं है कि चुटकी बजाओ और सवाल हल हो जाए, क्योंकि यह सवाल छठी कक्षा के अनुरूप ही है। परंतु दोस्तों, जो परिणाम आए वे बहुत चौंकाने वाले थे। छठी ए में मुश्किल से 4-5 बच्चे ऐसे थे जो सवाल को निकाल पाए और छठी बी में मुश्किल से 4-5 बच्चे ऐसे थे जो सवाल को नहीं निकाल पाए। दोस्तों, यह कैसे हुआ? यह हुआ मनोवैज्ञानिक सोच के कारण। छठी ए के सारे बच्चों ने यह मान ही लिया कि यह सवाल बहुत कठिन है और इतना कठिन है कि जब नौवीं कक्षा के छात्र भी इसे नहीं निकाल पाए तो हम इसे नहीं निकाल पाएंगे। और बहुत सारे छात्रों ने तो प्रयास ही नहीं किया और कुछ छात्रों ने प्रयास किया, वह भी आधे अधूरे मन से। जबकि छठी बी के बच्चों ने सोचा, यह सवाल तो बिल्कुल ही आसान है, जब पांचवी कक्षा के बच्चों ने इसे निकाल दिया तो हम बिल्कुल इसे निकाल सकते हैं, 50% काम तो निकालने से पहले ही हो गया। वे सारे बच्चे जुटे पूरे मन से, पूरे समर्पण से, और परिणाम यह हुआ 3-4 बच्चों को छोड़कर सारे बच्चे सवाल निकालने में समर्थ रहे। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि यदि ठान लिया, यदि मन में सोच लिया कि मैं इस काम को कर सकता हूं तो हम उस काम को कर पाते हैं, और यदि मन में सोच लिया कि मैं इस काम को नहीं कर सकता तो हम नहीं कर पाते। काम को करने के पीछे मन का बहुत बड़ा हाथ होता है। जिसको मन मान लेता है और ठान लेता है उस काम को हम आसानी से कर पाते हैं, और जिसे मन नहीं मानता और करने के लिए नहीं ठानता उस काम को हम नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों, अपने मन को मजबूत रखें और मन को ये संदेश दें कि हर काम मनुष्य के करने के लिए ही है। बड़े बड़े लोगों ने जो काम किए हैं वे मन के सहयोग से ही किए हैं। इसलिए दोस्तों, कोई भी काम करो पूरे मन से करो,
सारे प्रयास लगाकर करो, काम अवश्य पूरा होगा। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। अपने अधिकाधिक दोस्तों से इसे शेयर करें, और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद का कोई वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखकर बताएं। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर अत्यंत घातक है, मास्क लगाकर रहें, भीड़ भाड़ से बचें और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मिलना होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।